बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पॉपुलर रियलिटी डांस शो सुपर डांसर चैप्टर 3 का 23 जून 2019 को ग्रैंड फिनाले हुआ। इस साल सुपर डांसर चैप्टर 3 के विनर का खिताब 6 साल के लिटिल डांसिंग क्वीन रूपसा और उनके डांसिंग गुरु निशांत के सिर सजा। इस शो को जीतने के बाद रूपसा को 15 लाख रुपए का इनाम मिला और निशांत को 5 लाख रुपए। शो जीतने के बाद रूपसा के माँ पापा बहुत खुश हैं। उन्होंने समाज के ताने सुनकर तंग हाली में जीकर रूपसा को डांस सिखाया। जब उसने डांस शो जीत लिया है तो उसके सपने क्या है, इस बारे में रूपसा की माँ ने बातचीत की। रूपसा की माँ शिवानी ने एक खास बातचीत में बताया कि रूपसा पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन डांस उसका पैशन है। वो बड़ी होकर शिल्पा शेट्टी की तरह डांस करना चाहती है। रूपसा की माँ ने बताया कि वो अब तक जीते हुए पैसों से एक घर लेना चाहती है। वो घर किसी गुड़िया के घर जैसा होगा। रूपसा हमेशा ऐसे घर का सपना देखती थी जहाँ सारी चीजें पिंक हो। उन्होंने बताया, एक बार जब बारिश तेज हो रही थी और पानी घर के अंदर आने लगा, तब उसने मुझसे पूछा था कि हम अपना घर कब लेंगे। मैंने उसे कहा, ऐसा तो नहीं होगा। तब उसने कहा, वो ऐसा करके दिखाएगी। शिवानी ने बताया कि रूपसा ने गांव के एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर में डांस सीखा है। ज्यादातर तो वो यूट्यूब पर देखकर ही सीखती रही है। उसे यकीन था कि ये कंपटीशन वही जीतेगी और अब उसका यह सपना सच हो गया। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।